और अब बात उस तूफान की कर लेते हैं जो तेजी से गुजर रहा है। चक्रवात बिपरजॉय के कल शाम गुजरात के जखाऊ तट से टकराने के बाद अब चुनौती तूफान से हुए नुकसान से निपटने की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सभी एजेंसियों के सामने चुनौती अब पहले की तरह सब कुछ सामान्य करने की होगी। हालांकि इसमें वक्त लगेगा क्योंकि चक्रवात के चलते हवाएं अब भी 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। भारी बारिश हो रही है, बारिश के दौरान भी कोई जानहानि ना हो इसे लेकर भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। तूफान का असर खासतौर पर कच्छ, सौराष्ट्र के 8 जिलों में हुआ। कच्छ, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर समेत कई जिलों में गंभीर प्रभाव पड़ने की मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं। बीती रात पूरे गुजरात में तूफान की वजह से 22 लोग घायल हो गए। 23 जानवर भी तूफान की चपेट में आ गए। भयानक तूफान में 524 पेड़ भी गिरे तो कुछ जगहों पर बिजली के खंभे भी धराशायी हो गए। 940 गांवों की बिजली भी गुल हो गई। गुजरात तट पर 55 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। काफी ज्यादा तेज है, जामनगर की सिटी में इस वक्त हम मौजूद है। कहा है मूसलाधार बारिश की वजह से 3 फीट तक पानी भर गया है, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। क्या है वहां के ताजा हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। साइक्लोन पास हो चुका है इस इलाके से, लेकिन उसका असर जहां पर दिख रहा है वो सबसे ज्यादा लो लाइन इलाकों में। हम मांडवी सड़क से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, या देख रहे हैं सड़कों के किनारे जितनी भी दुकानें हैं वो सब तहस नहस हो गई हैं। पेड़ जो बचे हुए थे ज्यादातर पेड़ गिर चुके हैं, बिजली के खंभे टूट चुके हैं, सड़क के दोनों तरफ की जो दुकानें हैं वो तिनके की तरह ढेर हो गई हैं। और अब जो निचले इलाके हैं, लगातार रात की हो रही बरसात के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जल जमाव है, और वो इस कदर है कि अगर रास्तों पर कोई निकले और उसे पता ना चले कि यहाँ मैनहोल भी है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना हो सकती है। हालांकि कल तक जो बरसात थी वो इंटरमिटेंट थी, लेकिन रात के बाद जो बरसात है वो इतनी तेज है कि इसका सामना हवा के साथ करना बेहद मुश्किल है। एक तो तेज रफ्तार की हवा और ऊपर से ये मूसलाधार बारिश, और यही होता है साइक्लोन का असर, जब वो तटीय इलाके से टकराता है तो अपने साथ मूसलाधार बारिश लेकर के आता है। हम आपको एक स्कूल है और स्कूल में ले जाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं आपको कि निचले इलाकों में इस बरसात के चलते क्या हुआ है। अब ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसका असर कितना हुआ है, देख रहे हैं। हम आपको स्कूल में लिए चलते हैं, हालांकि थोड़ा यहाँ पर सावधानी जरूरी है क्योंकि संभवतः आगे मैन होल ना हो कोई, लेकिन चूंकि ये बक्ष द्वार है इसलिए ये अज्यूम कर सकते हैं कि साफ आवाब। देखिए, ये स्कूल का पूरा मैदान है जो पूरी तरह से सबमर्ज है, यानी ये जलमग्न हो चुका है। जाहिर है इसीलिए छुट्टियां की गई थी ताकि बच्चे इन इलाकों पर ना आए। आप देख रहे हैं ये पूरा मैदान अब इस समय जलमग्न हो चुका है और यहाँ